वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये अपना होम पेज आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये होम बैनर तक, ये बैनर तक नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट कर लिया था। ओके एंड आज की वीडियो में ना हम इसका एडमिन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके हम यूज करेंगे स्ट्राइपी। स्ट्राइपी एक डैशबोर्ड होता है एडमिन। ओके इसके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ओके जैसे कि ये मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट जेएस में कन्वर्ट करके रखी हुई है, देखिए। ओके ये सारा डेटा एपीआई से आ रहा है डायनेमिक। इसको हमने ना एडमिन से इसको अपलोड किया प्रोडक्ट को। ओके ये सारे प्रोडक्ट हमने एडमिन से अपलोड किए हैं। चलिए मैं आपको ना एक प्रोडक्ट नया ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आया, ये प्रोडक्ट ओके मेरे पास ये था। अब मैं इसी में ही, मैं ये जो हमारा था ये इसमें आ रहा था मोबाइल एंड टैबलेट नाम की कैटेगरी है, इसी में मैं एक प्रोडक्ट ऐड करता हूँ दोस्तों। ओके देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये सीरीज इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने ये पहला प्रोडक्ट ऐड ऐड कर लिया था, सेकंड भी ऐड कर लिया था दोस्तों। मैं ये थर्ड आपको ना ऐड करके दिखाता हूँ, टेक्नो वाला। अभी देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, मैं आपको एक थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका नेम ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूंगा यहाँ पर। ओके एंड इसका जो प्राइस रखूंगा मैं, ओके एंड इसका ओल्ड प्राइस 18, ठीक है, एंड की रेटिंग 4.5 दे दिया। ओके एंड इसका डिस्काउंट 15 दे दिया मैंने, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मुझे ये बताना है कि ये किस कैटेगरी से है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड इसकी सब कैटेगरी क्या होगी हमारी, मोबाइल एंड टैबलेट। ओके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब है इमेज की बारी, मुझको ना इमेज भी इसकी अपलोड करनी है, तो मैं दोस्तों इमेजेस इसी में ही मैं अपलोड कर लूंगा। देखिए मैंने ऑलरेडी इमेजेस से, ठीक है ना, मैं यहाँ पर एक एक करके इसकी इमेजेस अपलोड कर लूंगा। देखिए मैं कैसे करके अपलोड करता हूँ, अब ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है ना। मेरे को यहाँ अपलोड करनी है, एक इमेज मैंने डाउनलोड कर ली, पहले मैं डाउनलोड करूंगा फिर इसको अपलोड, मैं इसको अपलोड करूंगा दोस्तों। सेकंड ओके एक एक करके मैं सारी इमेजेस ये ना अपलोड करता जा रहा हूँ। देखो अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, पहले आप ध्यान से देखना, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। ओके सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। ये नेक्स्ट जेएस 14 पे है, ओके कंप्लीट प्रोजेक्ट नेक्स्ट जेएस 14 पे है। ओके फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर इमेजेस सारी अपलोड डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसको ना अपलोड करूंगा दोस्तों, देखिए कहाँ से, यहाँ से अब इसको मैं अपलोड करूंगा, ऐड करूंगा। देखिए ये रही 1 2 3 4 5, ये 5 इमेजेस मैंने यहाँ से अपलोड कर दिया दोस्तों। ओके यहाँ से अपलोड हो चुकी है, मैं यहाँ से इसको फिनिश करूंगा एंड यहाँ पे जाकर मैं सेव करूंगा। उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करना ना बोले। ओके अब जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा ना दोस्तों, तो देखिए एक प्रोडक्ट यहाँ पर ऑलरेडी ऐड होके आ जाएगा। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट ये प्रोडक्ट ऐड किया था यहाँ पर एडमिन से, तो ये आ चुका है पूरा डायनेमिक। देखिए फ्रेंड्स ठीक है ना, तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अभी घी के अंदर कुछ नहीं है, घी एंड ऑयल्स में दाल्स में है, घी एंड ऑयल्स में नहीं है। मैं घी एंड ऑयल्स का भी यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर आपको देखो ऐड करके दिखाता हूँ, ये रहा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, न्यू प्रोडक्ट ओके एंड इसका प्राइस होगा ओके अभी के लिए मैं कुछ, इसकी 5 रेटिंग हम करेंगे डिस्काउंट 20 एंड इसकी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर लेंगे ग्रोसरीज एंड इसके बाद है ये घी एंड ऑयल्स। ओके मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, पता है, क्योंकि ना इसके अंदर ना ये एंड आ रहा है ना, इसलिए ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा करेगा। इसलिए मैं आपको ना, अगर ये ऐड नहीं होगा तो मैं जब अभी आपको दोबारा करके दिखाऊंगा ना सारा कुछ, इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार यहाँ पर ना अपलोड करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर जल्दी से 2 इमेजेस की ना अपलोड कर लूंगा, एक सेकंड इमेज भी मैं डाउनलोड करके अपलोड करूंगा। मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ इमेजेस, डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दूंगा जरा मैं एक बार, इसकी डिस्क्रिप्शन तो ऐड नहीं करी हमने, मैं डिस्क्रिप्शन मैंने ऐड कर दी। ओके दोस्तों एंड यहाँ पर इमेजेस ऐड, इमेज कौन सी थी इसकी, ये रही 1 एंड 2। ओके फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपलोड करी, फिनिश करा, सेव एंड पब्लिश। ओके मैं रिफ्रेश करता हूँ,
मैंने कहा था ना कि ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना ये एंड आ गया, इसलिए हमको इसको ना ऐसे एंड लगाना पड़ेगा जब भी, क्योंकि ये नहीं ले रहा, ठीक है ना। मैं आपको मसाला वाला ऐड करके दिखाता हूँ, मसाला एंड स्पाइसेस वाला, ठीक है ना। जब हम दोबारा करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं हो रहा ये। मैं इसको और अपलोड करके दिखाता हूँ, आटा मसाला ये रहा, ठीक है ना, ये ऐड हो जाएगा हमारा। देख मैं एक न्यू प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करता हूँ दोस्तों। हाँ ये अभी हम ठीक कर सकते हैं इसको, क्यों, देखिए यहाँ पर मैंने अभी कौन सा किया था, ऑल्स वाला ना, इसको हम एडिट करेंगे यहाँ पर, हम ना एड एंड लगाएंगे, एंड सेव कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद हम जरा रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए अब आएगा क्या, देखिए फ्रेंड्स अब आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमको ना एंड साइन यहाँ से हटाना है, इसलिए आ रहा था ये। देखिए फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली ये डेटा हमारा फिल्टर हो रहा है एपीआई से। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने अगर देखिए दाल पर क्लिक किया, एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स मैं अगर यहां पर, ये हमारा सर्वर कुछ बंद हो गया है, इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं कहां से, एक मिनट में जरा यहां से देखिए ये कौन सा है, अच्छा ये ठीक चल रहा है हमारा, एंड ये सेकंड वाला हमारा बंद हुआ, ये वाला, ये एडमिन वाला, ठीक है ना। यहां पर मैं दोबारा npm स्टार्ट करता हूं, जैसे ये स्टार्ट होगा तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। देख जैसे कि ये हमारा एडमिन है, इसको हम दोबारा रन करेंगे। मैं इसको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि ये मैंने कैसे कैसे किया था, ये सिर्फ मैं अभी आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि ये हमको ऐसे ऐसे काम करना है इसमें, ठीक है ना। यहाँ से प्रोडक्ट हमको ऐड करना है, यहाँ से डिस्प्ले करना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये रन हो रहा है अभी, देखिए ये चल चुका है हमारा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा दोस्तों, देखिए डेटा हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे दाल घी पर क्लिक करूंगा दोस्तों, देखिए अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अच्छा मैंने कंसोल डॉट, अच्छा यहाँ पर देखिए यहाँ यहाँ देखना, मैंने दाल पर क्लिक किया तो देखिए ये हमारा डेटा आ चुका है, देखिए दाल वाला, ये सारा दाल का तीन प्रोडक्ट है, ये तीन प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर, देखिए ये कम्प्लीट पूरी एपीआई है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लिक करूंगा घी वाले पे, तो देखिए दोबारा एपीआई कॉल हुई, वहां से फिल्टर करके डेटा लाई, ओके ये डाटा हमने यहाँ पर शो करा दी दोस्तों, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये डेमो अच्छा लगा होगा, अगर आपको डेमो अच्छा लगा तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, होगा बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। ये नेट ये नेक्स्ट जेएस 14 पे कंप्लीट ये ई कॉमर्स प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, ओके फ्रेंड्स। ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से सीखें नेक्स्ट 14, ओके। चलिए देना करते हुए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया, देखिए ये तो हमारा था कि यहाँ, ये हमारा नेक्स्ट जीएस का मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है होम पेज आपको दिखाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका एडमिन है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मैंने ये कैसे कैसे बनाया था, ठीक है दोस्तों। और ये है हमारा वर्किंग फोल्डर जिसमें हम अब काम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ये सारा अभी db.json फाइल से आ रहा था, जो हमने json सर्वर रन कर रखा था ना, यहाँ से json सर्वर से ये डेटा आ रहा था दोस्तों सारा, ये वाला। बट अब हम इसको ना एडमिन से अपलोड करेंगे, ओके, वो सारा डायनेमिक डेटा यहाँ पर शो करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। एंड ये हमारा रिएक्ट पे, जो हमने रिएक्ट ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चालू करी थी ना, ये कंप्लीट वो वाली है। हम इसी को ही नेक्स्ट जीएस में कन्वर्ट कर रहे थे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ठीक है ना। चलिए देना करते हो आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल एडवांस यूआई टेक्निक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके फ्रेंड्स। अब मैंने ऑलरेडी पहले ही ई कॉमर्स की वेबसाइट की वीडियो कंप्लीटली अपलोड की हुई थी, एंड सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है दोस्तों, ओके, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसमें आपको ना ये प्लेलिस्ट देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें आपको कम्प्लीटली फ्रंट एंड समझ में आ जाएगा कि हमने कम्प्लीटली फ्रंट एंड कैसे बनाया था इसका, ओके। फिर हमने इसके बाद इसका डेवलपमेंट भी किया था, देखिए सारी चीजें हैं इसमें, मैंने इसमें आपको लॉगिन करना भी सिखाया था, गूगल ऑथेंटिकेशन करना भी सिखाया था, ठीक है फ्रेंड्स, ऐड टू कार्ट करना भी सिखाया था मैंने आपको इसके अंदर, ओके, और बहुत सी चीजें सिखाई थी। प्लीज आप जाके इसको चेकआउट करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर जैसे ही आप इसको चेकआउट कर लेंगे, आपने सारा देख लिया, तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि हमने इसका फ्रंट एंड कैसे बनाया था। एंड इसके बाद आप ये मेरी नेक्स्ट जीएस की जो
प्लेलिस्ट है, आप इस पे मूव ऑन कर सकते हैं दोस्तों। ये वाली देखिए, मैंने इसमें अभी दो वीडियो तीन वीडियो अपलोड की हुई है, आप फिर इसके बाद इसको चेकआउट करना ना बोले। ओके, ये नेक्स्ट जीएस पे कंप्लीट नेक्स्ट जीएस 14 पे बन रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टाइटल दिया इसका, बिल्ड एंड डिप्लॉय फुल स्टैक ई-कॉमर्स वेबसाइट विद नेक्स्ट जीएस 14 एंड स्ट्राइप एट द सीमस एंड मटेरियल यूआई। ओके फ्रेंड्स, तीन वीडियो यहाँ पर हो गई है, ये फोर्थ वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट की, बहुत अच्छी चलेगी। आप लोगों को अगर प्यार और सपोर्ट मिलेगा ना, तो ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी चलने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये हमारा मैं देख लूँ कौन सा है, हमारा ये वर्किंग फोल्डर है, ठीक है दोस्तों। तो वर्किंग फोल्डर हमारा है ये वाला, ये नहीं है, ये वाला है वर्किंग फोल्डर, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं एक काम करूंगा, मैं पहले इसको बंद करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एंड ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, इसको कट किया, एक नया फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर एडमिन नाम से, ये सारा इसके अंदर मूव कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने मूव कर दिया, ये इसको कॉपी करके, एक मिनट मैं दोबारा करता हूं। देखिए ये एडमिन का तो एडमिन रहेगा, यहां पर मैं क्लाइंट यानी कि फ्रंट एंड का कोड यहां पर होगा सारा हमारा। ओके, इसको कट करके मैं क्लाइंट फोल्डर में रिप्लेस कर दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। एडमिन में अभी हम एडमिन इंस्टॉल करेंगे, स्ट्राइप ये डैशबोर्ड जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। एंड ये क्लाइंट का हमारा यहाँ पर आ चुका है, तो हम इसको ना यहाँ पर जाके सीएमडी इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली, वो इसको ओपन कर लिया है, हम यहाँ पर जाएंगे, देखिए क्लाइंट के अंदर सारा कोड है, अब एडमिन के अंदर एडमिन का कोड आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले अपना ये जो क्लाइंट का है इसको ओपन कर लेंगे, npm run save। ओके दोस्तों, इतने में ये हमारा रन होगा, हम जल्दी से यहाँ पे स्ट्राइप ही ओपन कर लेंगे वेबसाइट, इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। सबसे पहले ये कमांड है, ओके, आपको इसको कॉपी करनी है। ओके, कॉपी करने के बाद आपको इसको आपको कहाँ पर यूज करना है, एडमिन में आएंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। एंड ये जो माय प्रोजेक्ट का कोड है ना, वो फोल्डर का नाम है, इसको हटा के यहाँ डॉट लगाएंगे कि हमको एडमिन के अंदर ही इसको इंस्टॉल करना है दोस्तों, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर एडमिन इसका इंस्टॉल हो जाएगा, देखिए अब ये कह रहा है स्टार्ट रिकमेंडेड है। ओके, हमने ओके कर दिया, अब ये फाइल जनरेट करेगा हमारे लिए, देखिए ये इसने फाइल जनरेट करना स्टार्ट कर दिया हमारे लिए, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो रहा है, अब देखिए ये भी हमारा रन हो चुका है यहाँ पर, ये रहा, ये किस पोर्ट पे हुआ है हम देख लेंगे, 3003 पे हुआ दोस्तों ये। ये इंस्टॉल हो रहा है एंड ये हमारा रन हो रहा है, ठीक है ना, ये कंपाइलिंग कर रहा है एंड ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है हमारा एडमिन। ओके, वेट करते हैं, वीडियो को स्किप मत करना फ्रेंड्स, वरना बहुत कुछ मिस होने वाला है। ओके, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखें, ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट आपके पास आते रहें जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ। ओके, मैं आपके लिए और भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट जीएस 14 पे एंड नेक्स्ट जीएस पे देखिए ये प्रोजेक्ट तो हमारा रन हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, ये कुछ वार्निंग है, इसको हम बाद में फिक्स कर लेंगे। ओके, देखिए अब हम इसके अंदर काम करने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूं, इसके डॉक्स में जाएंगे आप,
ठीक है ना, इसको आप रीड कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर आएंगे हम REST API, ओके, आप इसको ईजिली रीड कर सकते हैं, ओके, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है ना। गेट एंट्री, एंट्री कैसे गेट करते हैं, ओके, ठीक है ना, एक एंट्री क्रिएट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ओके, इसमें सब कुछ। फिल्टर भी आपको मिल जाएगा कि API में फिल्टर डेटा हम कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। शॉर्टिंग भी आपको मिल जाएगा, पेजिनेशन पर सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से। देखिए गेट पोस्ट, गेट पुट, डिलीट, ये सब आपको मिलने वाला है इसमें फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, आप इजिली यहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस टाइप ही पे, ओके। देखिए ये बहुत ही ऑसम है, ये देखिए अभी भी इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा 5 मिनट लेता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लीज मेरी रिएक्ट प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करना ना भूलें, ओके। जब भी आपको समझ में आएगा कि हमने इसमें कैसे कैसे वर्क किया था, शेड कैसे यूज की थी, फंक्शंस कैसे यूज किए थे, एक्टिव पार्ट कैसे बनाया था हमने इसमें ना, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा चैनल है, ओके दोस्तों, ये देखिए ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट करना ना भूलें। इसमें देखिए मैंने आपको ना कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव बताया है कि हमने इसको रिस्पॉन्सिव कैसे किया था कंप्लीटली दोस्तों, ठीक है ना। देखिए रिस्पॉन्सिव सारी वीडियो रिस्पॉन्सिव की हमारी, ठीक है ना। गूगल ऑथेंटिकेशन भी है इसमें, फायरबेस से हमने लॉगिन एंड साइनअप किया था, है ना, ओके। एंड इसमें ऐड टू कार्ट भी हमने अचीव किया था, ओके। लिस्टिंग का हमने फिल्टर्स भी किए थे, ठीक है ना। ये जो हमारा ये पेज है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला देखिए, ये सारा हमने फिल्टर किया था दोस्तों। ये देखिए ये सारा फिल्टर हो रहा है, देखिए, ओके। आप जाके प्लीज इसको चेकआउट करना ना भूलें, जब भी आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे कैसे इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया था लास्ट टाइम। बट इन नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम जो इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे ना, ये कम्प्लीटली इसमें चेंज होने वाला है, बहुत कुछ इसमें चेंज होने वाला है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये अभी ये ऐड हो रहा हमारा, ठीक है, इसको ऐड होने दीजिए। अब देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ, मेरे क्या क्या इसमें डायनेमिक है दोस्तों, देखिए हमारा सर्वर दोबारा बंद हो गया है, मैं इसको ना चालू कर दूं दोबारा, npm start। अगर इसमें कुछ इशू आता है ना तो ये एरर देगा, ये हमारा एडमिन बंद हो जाता है, तो इसको ना दोबारा npm स्टार्ट करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। बट हम जो काम करेंगे उसमें प्रॉपर तरीके से हैंडल करेंगे चीजों को, ठीक है। हम देखते हैं ये इंस्टॉल हो गया, देखिए फ्रेंड्स ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। अभी हमको एक URL प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना, जिससे कि हम वहां पर उसको रन कर सकते हैं दोस्तों इजीली, ठीक है ना। अब तो इसका कोई काम है ही नहीं, ठीक है ना दोस्तों, इसको हम क्लोज कर देते हैं, चलिए, ठीक है ना। इसको हमने क्लोज कर दिया एंड यहां पर हम जाएंगे, इसको हम बंद कर देंगे, कौन सा है हमारा, हाँ इसको हम बंद कर देंगे दोस्तों, एंड ये भी हम बंद कर देंगे दोस्तों। हमारा बस ये बचा यहाँ पर, एक तो हमारा रह गया है, देखिए ये कहाँ से किया था हमने, अच्छा ये वर्किंग फोल्डर, ठीक है हमारा। एंड मैं इसको ना सब कुछ ना बंद करके दोस्तों वहीं से करूंगा सारा काम। एंड ये कौन सा, इसको चलने दें, एंड इसको कौन सा हमारा, मैं देखता हूँ, npm start, ओके, इसको भी चलने दें, ठीक है ना। हम यहाँ पर है सारा, अभी हमको ना देखिए हमको ये प्रोवाइड कराएगा अभी URL, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जाएंगे, इसको npm रन, दोबारा हम चालू करते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या कहाँ पे काम करना है दोस्तों, इस पे काम करना है हमको, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले हम डेटा इसमें अपलोड करेंगे, ऐड करेंगे एडमिन से, ओके, उसके बाद हम प्रॉपर काम करेंगे, चलिए, है ना। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये रन होएगा अभी, ठीक है, ये कुछ टाइम लेता है दोस्तों, इसको होने दीजिए अभी,
देखिए फ्रेंड्स, इसने हमको एक यूआरएल प्रोवाइड कराया ये रहा, ओके, ये यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बंद कर देते हैं, इसको आप चेकआउट कर लेना, ओके, इसको रीड कर लेना, इसका डॉक्यूमेंटेशन, ओके, इसका डॉक फाइल रीड कर लेना। अब देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है हमारा, इसको हम अभी रजिस्टर करते हैं, ठीक है ना। मैंने रिंकू वर्मा डाल दिया नाम, ईमेल में डाल दूंगा, ओके, एंड पासवर्ड हम कुछ भी डाल देंगे। इसको चेक मत करना वरना आपके पास मेल आती रहेगी। मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों, अब ये स्टार्ट हो चुका हमारा, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको ना इसके अंदर ना एक कंटेंट आपको अपलोड करना है। जैसे कंटेंट टाइप बिल्डर में जाएंगे, कंटेंट टाइप बिल्डर ऐड करेंगे, देखिए यूजर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कंटेंट टाइप बिल्डर का नाम होता है। जैसे PHUMI एडमिन में टेबल होती है ना, टेबल होती है, मान लीजिए ये यूजर नाम की टेबल है, उसमें यूजर नेम होगा, ईमेल, प्रोवाइडर, पासवर्ड, ये सब कुछ बला बला सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसको मानिए एक तरह की टेबल है, ओके, हम एक न्यू बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम बनाएंगे कैटेगरी, ठीक है ना, उसका नाम होगा कैटेगरी रखेंगे। तो देखिए सिंगल के लिए होगा कैटेगरी, एंड जब प्लूरल के लिए होगा कैटेगरीज। अगर हमको सारी कैटेगरीज फेच करनी है ना, तो वहां पर हम लगाएंगे कैटेगरीज, ओके। अगर हमको सिंगल लेनी है तो सिंगल कैटेगरी, ओके फ्रेंड्स, मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है ना। अब इस कैटेगरी में हमको हमारा क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, एक होना चाहिए कैटेगरी का नाम, ठीक है ना। नाम में रखेंगे हम, जैसे मैं यहाँ से आता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पर इसका वो ओपन कर लेता हूँ ये, ठीक है ना। देखिए ये सारी कैटेगरी दोस्तों, कैटेगरी हमारी ग्रोसरीज है, ठीक है ना, एंड ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है, फिनिश, ओके। हम एक और अपलोड करेंगे, एक तो कैटेगरी होगी एंड उसकी इमेज यानी कि मीडिया, ओके, इसका नाम रखेंगे हम IMG, ठीक है दोस्तों। एंड ये अभी ये कैटेगरी जो इमेज होगी वो सिंगल होगी, ठीक है ना, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये वाली, ये कैटेगरी की, ये कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये जो आ रही है ना, ये फ्यूचर कैटेगरीज, ठीक है ना, इनकी एक एक इमेज होगी। तो मैं कहाँ पे था, यहाँ पे था सिंगल मीडिया, ठीक है, आप मिस्टेक मत करना दोस्तों, ठीक है ना। मेरे को इसकी एक तो नाम चाहिए था, एंड इसकी चाहिए थी मीडिया, ठीक है ना, इमेज चाहिए थी, और इसका कुछ नहीं चाहिए था। मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है ना, ये सर्वर को रिस्टार्ट करेगा, ओके। जब हम इसको करते हैं तो ये देखिए बोल रहा है, यू आर यूजिंग अ फीचर दैट नीड्स टू सर्वर टू रिस्टार्ट, प्लीज वेट अंटिल द सर्विस इज अप, ओके, ये रन हो जाएगा दोबारा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर आपने फ्रेंड्स ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट देख ली ना, तो आप नेक्स्ट जीएस का मास्टर बनने वाले, ओके। देखिए ये हमारा हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हमने कैटेगरी तो हो गई, अब हम इसके अंदर इसके ना डेटा डालेंगे। देखिए डेटा यहाँ से डालेंगे कंटेंट मैनेजर में, कंटेंट मैनेजर में ऐड करेंगे, कैटेगरी सिलेक्टेड है, यूजर में डालना, यूजर में डालिए, कैटेगरी में डालना, कैटेगरी में डालिए। मैं एक नई कैटेगरी डालता हूँ, देखिए मैंने वहाँ पर क्या ऐड किया था, एक तो टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया था, इसका टाइटल के लिए, एक इमेज के लिए, ठीक है ना। तो मैं पहले फर्स्ट कैटेगरी ऐड करता हूँ ये, ठीक है ना, एंड उसके बाद मेरे पे ये इमेजेस हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी वो है ना, एक मिनट, मीडिया लाइब्रेरी में सारी इमेजेस पहले हम अपलोड कर देंगे, जितनी भी दोस्तों। मेरे पे 3 इमेज अभी मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिए, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर अपलोड करी, ओके, एंड अब यहाँ पर जाएंगे, ठीक है ना, कैटेगरी में इसकी न्यू कैटेगरी ऐड करेंगे। हमने इमेजेस तो यहाँ पर सारी अपलोड कर ली, ओके, अब हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ग्रोसरी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है ना। मैंने फिनिश करा, ओके, एंड हमको ठीक है, सेव हमने कर दिया, एंड यहाँ पर हमने कर दिया पब्लिश, ओके दोस्तों। एंड ऐसे ही हम सेकंड कैटेगरी भी अपलोड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, यहाँ पर कैपिटल में डालना, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रही, ठीक है ना। एंड थर्ड करेंगे, अब मेरे आपके पास जो db.json था ना, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, नो इश्यू, ओके। मैंने यहाँ पर नेम डाला, इमेजेस, एंड ठीक है, पब्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास अभी ये 3 कैटेगरी आ चुकी है, देखिए, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है ना, देखिए, ओके, देखिए यहाँ पर आप
ये हटा सकते हैं, प्रोसेस आईडी, इमेजेस ठीक है, अपडेटेड ऐड मस्त, बिल्कुल फिनिश, एकदम बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी कैटेगरी तो ऐड हो चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। अब हमको सब कैटेगरी ऐड करनी है, यानी कि क्या, ये तो कैटेगरी थी ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फैशन, अब इसकी सब कैटेगरी भी हमको ऐड करनी है दोस्तों, जैसे कि वाली दाल, ये ब्ला ब्ला, ठीक है ना, इसके अंदर की ये होती है हमारी सब कैटेगरी, तो हम सब कैटेगरी भी ऐड कर लेते। कंटेंट टाइप बिल्डर में जाएंगे एंड न्यू ऐड करेंगे, इसका नाम होगा सब कैट। ओके, देखिए सिंगल के लिए, ये प्लूरल के लिए ये होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखिए सब कैटेगरी में क्या होगा हमारा, एक तो इसका टेक्स्ट होगा जिसका नाम होगा टाइटल, ठीक है ना, ये शॉर्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। एंड सेकंड हम इमेजेस भी, इसका ना इमेज भी आगे चल के क्या पता हम अपलोड करें दोस्तों, ठीक है ना, तो इसकी इमेज भी ले लेंगे, सिंगल मीडिया होगा हमारा, इसको फिनिश कर दिया हमने। ओके दोस्तों, एंड उसके बाद सब कैटेगरी को ये पता लगाना है, देखिए अगर ये मानो ये वाला आ गया, अभी दाल एंड दाल वाला आ गया, मानो ये आ गया हमारा जैसे मोबाइल एंड टैबलेट्स, इसको कैसे पता कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से रिलेशन है इसका, ठीक है ना, ये टीवी है, ये किस चीज का, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो उसको कैसे पता लगेगा, हमको वो वहां पे जाके बताना पड़ेगा, ठीक है ना। एक अनदर फील्ड ऐड करेंगे रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए क्या लिखा है, सब कैटेगरी एज वन कैटेगरी, हम यहां पे जाएंगे सब कैटेगरी हैड एंड बिलोंग टू वन कैटेगरी, सब कैटेगरी बिलोंग टू मेनी कैटेगरीज, ठीक है ना, कैटेगरी हैज मेनी सब कैटेगरीज, ओके, सब कैटेगरी हैज बिलोंग टू मेनी कैटेगरीज, हमको ये वाला चूज करना है, यानी कि सब यानी कैटेगरीज हैड मेनी सब कैटेगरीज, यानी कि कैटेगरी के पास बहुत सारी सब कैटेगरी हो सकती है दोस्तों, ठीक है ना, हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे, ठीक है ना, सेव। देखिए ये हमारा हो चुका है ना दोस्तों, अब हम इसके अंदर ना अब इसकी कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे कंटेंट मैनेजर पे जाएंगे, सब कैटेगरी पे जाएंगे एंड यहाँ से हम इसका सब कैटेगरी ऐड कर लेंगे, जैसे ये आप ध्यान से देखना आप, ओके, मैं न्यू एंट्री ऐड करता हूँ, ठीक है ना, इसकी कोई इमेज नहीं है अभी, छोड़ देते हैं इसको। एंड इसका रिलेशन क्या होगा, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ये ग्रोसरी से बिलोंग करती है, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है ना, सेव, ठीक है दोस्तों। एंड मैं दोबारा एक और यहाँ पर अपलोड करूंगा, घी एंड ऑयल्स, मेक श्योर फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना ये वाला एंड एंड सिंबल ना है, आप ऐसे करके ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एंड ये भी ग्रोसरीज है, ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। मैंने दो, मैं एक और आपको ऐड करके बताता हूँ, ठीक है ना, आटा, ये भी हमारी ग्रोसरीज है, ये देखिए बड़ा सिंपल है, एक बार आपको इसको यूज करना आ गया ना फ्रेंड्स, तो बहुत इजी है ये, ओके। इसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको ये सब ऐड करके, ठीक है ना, इसको छोड़ दो, इमेज नहीं है कोई, ग्रोसरीज बाद में आप इमेज पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना, सेव। फ्रेंड्स अभी पता क्या हो रहा है, देखिए मैंने ड्राफ्ट में कर रखा है, इसको पब्लिश भी करना है आपको, ठीक है ना, पब्लिश करना ना भूले, पब्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने चार सब कैटेगरी यहां पर ऐड कर ली, ये फिफ्थ है हमारी, मेक श्योर यहां पर एंड सिंबल ना हो, ठीक है ना, ओके, इसको पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करना ना भूले। देखिए मैंने इसको फर्स्ट कैटेगरी का मैंने सब कुछ यहां पर अपलोड कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मैं यहां पर प्रोडक्ट ऐड करूंगा, ठीक है ना, मैं यहां पे आऊंगा कंटेंट टाइप बिल्डर में, ओके, एक प्रोडक्ट, ओके, सिंगल के लिए ये होगा, एपीआई की जो होगी ये प्लूरल के लिए, ओके, हम अपना फर्स्ट प्रोडक्ट यहां से अपलोड करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ओके, देखिए ठीक है, मैंने कंटिन्यू करा। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट का क्या क्या होना चाहिए ध्यान रखना, ठीक है ना, एक तो नेम होना चाहिए, नेम इस शॉर्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होना चाहिए, प्राइस, एक करके सब हम ऐड कर लेंगे दोस्तों, ऐड, इसके बाद क्या था, प्राइस, ये हमारा होगा इंटीजर नंबर प्राइस, ओके, ये हमारा प्राइस हमारा डेसिमल में भी हो सकता है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे,
उसके बाद क्या हमारा ओल्ड प्राइस, तो ये भी हमारा नंबर होगा ओल्ड प्राइस, ये डेसिमल होगा, ठीक है ना, एड अनोदर। उसके बाद दोस्तों ठीक है, वेट का बाद में देखते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद वेट का भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। मैं दिखाता हूँ, मैं बताऊंगा वेट को कैसे करेंगे हम आगे। उसके बाद एक डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमारा नंबर में ही होगा, डिस्काउंट इंटीजर रखेंगे, ठीक है ना, फिनिश। अब डिस्काउंट के बाद क्या रहेगा, ब्रांड, ब्रांड होगा हमारा टेक्स्ट, ये सिंपल होगा, शॉर्ट टेक्स्ट होगा हमारा, ठीक है। एंड उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है ना, उसके बाद होगा हमारा मीडिया, IMG रखेंगे, ये मल्टीपल मीडिया होगी हमारी, ठीक है, ओके। डिस्काउंट भी हो गया, ब्रांड भी हो गया, ये प्रोडक्ट इमेजेस भी हो गई, ब्रांड हमने लिख लिया ना, ब्रांड हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद रेटिंग कुछ मैं छोड़ना, रेटिंग होगी हमारी नंबर, रेटिंग ये हमारी डेसिमल में होगी, ठीक है, ठीक है, डेसिमल, ठीक है, फिनिश कर दिया। एक और हम ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ये लॉन्ग टेक्स्ट होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, ओके दोस्तों। एंड हमारी सब कुछ तो हो गया, ये भी कर लिया, एक दो ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, बस हमारा ना वेट रहता है, वेट को हम ना, अच्छा रिलेशन, ठीक है, वेट को छोड़ते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा ऐ रहा कंप्लीट ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारा दोस्तों एक और हमको ऐड करना है यहाँ पर इसका रिलेशन, ठीक है ना। अब देखिए रिलेशन में हमको उसको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट किस कैटेगरी का होगा और किस सब कैटेगरी का होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर मानो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये टीवी है, टीवी, ठीक है ना, ये टीवी किस कैटेगरी का है, जो टीवी जो प्रोडक्ट हमारा, मानो हम इसमें आएंगे, ये हमारा बंद हो गया है, कोई नहीं, अच्छा मैं आपको ना वैसे ही रन करके दिखा दूंगा, यहां से दोबारा इसको ना मैं ओपन कर लूंगा, मैं आपको ना वैसे करके दिखाता हूँ दोस्तों को, एक इसको हम क्लोज कर देंगे, अच्छा नहीं हमारा हमारा वो रन हो सकता है, कोई इशू नहीं है रन होने में, मैं यहीं पे इसको रन कर लूँगा, ठीक है ना, इसको रन होने दो, मानो हमारे पास ये मिल्क का है, मिल्क का, ठीक है ना, इसको कैसे पता, मैं पहले इसको ओपन ही कर लूंगा पहले, जब ये आपको ना प्रॉपर तरीके से लगेगा पता, इसको रन होने दो पहले, हमको इस प्रोडक्ट को ना रिलेशन बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट हैज एंड बिलोंग टू वन कैटेगरी, प्रोडक्ट बिलोंग टू मैनी कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, यानी कि कोई कैटेगरी है, ओके, उसके ना बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ये हमने गलत कर दी यहां पर ना, शिट,
हमको यहाँ पर दोबारा इसको ना यहाँ पर ही रन करना पड़ेगा दोस्तों। वो सीपी चालू हो गया ना, देखिए ये था। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमने इस प्रोडक्ट पे आया ठीक है ना, अब इसको कैसे पता कि ये इस सब कैटेगरी से है और इसकी कैटेगरी ये है, ठीक है फ्रेंड्स, कि ये इस कैटेगरी से और एंड इसकी सब कैटेगरी ये है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको मैं यूज करूंगा कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, यानी कि कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, कैटेगरी हैज एंड बिलोंग्स टू मैनी कैटेगरी। इसको एक बार ना मैं दिखाता हूँ आपको, मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाऊंगा, इसको बंद करूंगा ठीक है ना, एंड जो हमारा ये वाला है ना, ये वाला एडमिन, इसको यहाँ पर एक बार ओपन करूंगा, मैं आपको दिखा दूँ लाइव। npm रन, npm स्टार्ट, ओके ना। हम मैं आपको कंप्लीट, इसमें गलती मत करना आप लोग, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसको आपको रिलेशन ना देख के बताना पड़ेगा इसको, जैसे कि हम उसको बताएंगे ना पहले कि ये जो हमारा प्रोडक्ट जो हम अपलोड कर रहे हैं कि वो किस कैटेगरी से होगा, ये किस कैटेगरी से होगा एंड इसकी सब कैटेगरी क्या होगी, जब ही तो ये फाइंड कर सकेगा, ओके समझे ना आप लोग। देखिए ये कोई प्रोडक्ट है ओके, इसकी सब कैटेगरी ये है ओके, एंड इसकी कैटेगरी ये है दोस्तों, ईजी है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये देखिए अभी रन हो रहा है, जो मैंने डेमो आपके लिए बना के रखा हुआ था ना दोस्तों, वो अभी यहाँ पर रन हो रहा है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा दूंगा, ओके दोस्तों। देखिए ये हमारा रन हो गया, देखिए ये तो हमारा अभी वाला है, ये हमारा जो मैंने बना के रखा हुआ था ये पहले वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मैंने इसमें ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा प्रोडक्ट है, देखिए रिलेशन डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन रेटिंग प्रोडक्ट इमेजेस नेम सब कैटेगरी, अच्छा ये प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे, मैं इसमें आऊंगा, प्रोडक्ट में आऊंगा, देखिए यहां पर मैंने दो रिलेशन दिए हैं, एक कैटेगरी का एक सब कैटेगरी का, देख सकते हैं आप, रिलेशन विद कैटेगरी, रिलेशन विद सब कैटेगरी दोस्तों, समझे। तो मैं इसलिए बोल रहा था, इसको क्लोज कर देंगे एंड हमारा जो ये रन हो रहा है, मैंने जो रन करा है इसको बंद करेंगे, ठीक है ना, एंड यहाँ पर आएंगे, ये बस आपको दिखाने के लिए था दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आऊंगा मैं दोबारा, इसको सीडी एडमिन npm स्टार्ट, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था, ठीक है ना। अब हम इसको ना दोबारा इसी पर आ जाएंगे, इसको रन कर लेंगे दोबारा, एक मिनट, ये रन हो जाए जल्दी से बस, इस प्रोडक्ट को ना हमको ना दो रिलेशन देने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना, बस ये हमारा रन हो जाए जल्दी से। मैं दोबारा ही कर लूंगा, कोई इशू नहीं है,
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रन हो चुका है, हम यहाँ पे आएंगे दोबारा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का दोस्तों यहां पर अब ऑप्शन ऑप्शन हट चुका है, ये कि बार ऑप्शन देता है बस। इससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ना एक ना सब कैटेगरी में एक और फील्ड ऐड करते हैं, वो होगा हमारा रिलेशन, ठीक है ना। वो रिलेशन में हम बताएंगे कि ये कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, यानी कि एज वन कैटेगरी सब कैटेगरी बिलोंग्स टू मैनी कैटेगरीज, कैटेगरीज हैज मैनी सब कैटेगरीज, कैटेगरीज ये वाला सही है, कैटेगरीज हैज मैनी सब कैटेगरीज। ओके, मैंने इसको फिनिश कर दिया, हम सेव करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कंटेंट टाइप में आएंगे, हमने ये ग्रोसरीज जो इसमें, ठीक है ना, हमको ये बताना पड़ेगा कि ये किस कैटेगरी की है, ये ग्रोसरीज की है, ठीक है, सेव। ओके, हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आके इस पर आते हैं, ओके, जैसे कि हमको ये प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा आपको ना, इसकी इमेज है नहीं, ठीक है, हमने पहले इसको सेव कर लिया था, ठीक है ना। हम एक एक करके इनको बताएंगे कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करती है, थर्ड पे आएंगे, थर्ड भी कर देंगे, फोर्थ, फोर्थ भी कर लिया, फिफ्थ भी कर लिया। तो इससे हमको ये पता लग गया दोस्तों कि ये कैटेगरी हमारी सब कैटेगरी उस कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, प्रोडक्ट, ओके, एंड हम जल्दी जल्दी से इसमें एक प्रोडक्ट कि फील्ड हम ऐड कर लेते, क्या क्या होगा हमारा, ये तो नेम होना चाहिए, प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए, ठीक है, चलिए ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का नेम होगा, उसका प्राइस एंड ओल्ड प्राइस होगा, उसका होगा हमारा ये प्राइस, ये होगा डेसिमल, ओके, एंड इसका होगा हमारा ओल्ड प्राइस, ये हमारा डेसिमल होगा, ठीक है। ये वेट को बाद में देखते हैं, हम डिस्काउंट पाते हैं, ये डिस्काउंट हमारा नंबर ही होगा, डिस्काउंट हमारा नंबर होगा, इंटीजर हम करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा होगा ब्रांड, ब्रांड हमारा टेक्स्ट होगा, ओके, शॉर्ट टेक्स्ट होगा। उसके बाद हमारा ये प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है ना, वो मीडिया रखेंगे हम इसका, एंड इसका मल्टीपल होगा ये फील्ड, इसका टाइप मल्टीपल होगा, ठीक है। एंड उसके बाद इमेजेस हो गया, रेटिंग एंड डिस्क्रिप्शन, रेटिंग होगी हमारी नंबर, रेटिंग ये डेसिमल में रखते हैं इसको, एंड उसके बाद हमारा डिस्क्रिप्शन, लास्ट डिस्क्रिप्शन लॉन्ग टेक्स्ट, ओके, हमने सब कुछ कर लिया इसका, ठीक है ना। एंड इसके अंदर दो फील्ड और ऐड करेंगे हम, रिलेशन फील्ड, क्योंकि देखिए ये हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमने कोई कोई प्रोडक्ट ओपन कर लिया ये वाला, ठीक है ना। तो ये कैसे पता लगा कि ये प्रोडक्ट हमारा इस सब कैटेगरी से बिलोंग है एंड इस कैटेगरी से बिलोंग है, ठीक है ना। तो इसके हम कैटेगरी से रिलेशन बनाएंगे एंड सब कैटेगरी से रिलेशन बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक यहाँ पर रखेंगे रिलेशन, यहाँ पर रखेंगे प्रोडक्ट है वन कैटेगरी, ठीक है, प्रोडक्ट बिलोंग टू मैनी कैटेगरीज, ये ठीक है, ओके। एंड एक और रिलेशन, प्रोडक्ट कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट, ओके, एंड प्रोडक्ट हैज मैनी कैटेगरीज, प्रोडक्ट हैज एंड बिलोंग्स टू मैनी कैटेगरीज, ये रखते हैं, ओके अच्छा, ऑलरेडी यूज है, ठीक है ना। कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट्स, ये हमने कर लिया दोस्तों, ठीक है ना, हमारा सब कुछ हो चुका है, ठीक है, हम सेव करते हैं।
एंड इसके अंदर एक न्यू प्रोडक्ट ऐड करते हैं जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रिलेशन भी ऐड हो चुका है, रिलेशन विद कैटेगरी, ठीक है ना। एंड कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ भी इसका रिलेशन ऐड हो चुका है। देखिए सब कैटेगरी से प्रोडक्ट्स एंड ये, ठीक है ना। तो हम जल्दी से जाके एक यहाँ पर प्रोडक्ट हम ऐड कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट, ठीक है ना। इसका ये रहा, इसका नेम ये होगा, प्राइस हम लिखेंगे ओके, इसका डिस्काउंट है 12, ब्रांड इसका क्या होगा, हमारा ब्रांड ये रहा, ये वाला ब्रांड है इसका ओके। एंड इसका इसकी रेटिंग 5 रखेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से ले लेंगे। अब कोई सा प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड हम इसको बताएंगे कि ये किस कैटेगरी से है, हमारा ग्रोसरी से, ठीक है ना, जो हमने रिलेशन बनाया था। एंड इसकी एक मिनट, यहाँ पर एक चीज गलत हो गई, देखिए यहाँ पर सब कैटेगरी का ऐड करना चाहिए था ना हमको। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इसमें जाएंगे, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट का हो गया, ये प्रोडक्ट भी देखिए इसको एडिट करते हैं। अच्छा ओके, देखिए यहाँ पर हमको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है ना, सब कैटेगरीज यहाँ पर, कैटेगरी हैव टू मैच, वो सब कैटेगरीज हो गया, ये कैटेगरीज एंड एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये हमारा कैटेगरी है रिलेशन विद प्रोडक्ट। एंड अच्छा हम पहले यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना, इसका रिलेशन ठीक करेंगे, रिलेशन कैटेगरी, रिलेशन विद कैटेगरी, रिलेशन विद सब कैटेगरी का यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सब कैटेगरी हैज मैनी प्रोडक्ट फिनिश, ठीक है ना, सेव। अब हम आएंगे इसमें प्रोडक्ट में, ये एक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ग्रोसरीज का होगा, सब कैटेगरी क्या होगी इसकी, दाल एंड ये वाला, ठीक है ना। अब हम जल्दी से यहाँ पर प्रोडक्ट दोबारा ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट हमने ऐड कर लिया, इसका प्राइस होगा ये 12, ब्रांड होगा ये ओके, एंड रेटिंग इसकी होगी 5, डिस्क्रिप्शन दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड ये हो गया, इसकी रह गई इमेजेस, तो ये मैं फोल्डर ओपन करूंगा, यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारे ओके ना। मैं जल्दी से यहाँ पर एड मोर, मैं जल्दी से इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 4, इसकी 4 इमेजेस है, ठीक है ना, इसकी 4 इमेजेस मैं यूज कर लूंगा, ये भी इसकी यूज कर लूंगा अपलोड फिनिश, ठीक है दोस्तों। हमने सब कुछ यहाँ पर अपलोड, क्या नाम है, फिल कर लिया एंड को सेव, ठीक है दोस्तों। एंड इसको पब्लिश, ये प्रोडक्ट भी हमारा पब्लिश हो चुका है। एंड यहाँ पर जाएंगे हम, देखिए सब कैटेगरीज ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा ठीक है, बिल्कुल सही है, देखिए नहीं। एंड यहाँ पर प्रोडक्ट पाएंगे, सब कैटेगरी पाएंगे, एक कोई ओपन करेंगे, ये प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे आएंगे, हमने कौन सा ओपन किया था, ये वाला, देखिए यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुका है ना। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक प्रोडक्ट यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड कर लिया दोस्तों, ठीक है ना, ओके दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसको फ्रंट एंड पे कैसे हम काम करते हैं इस बार फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक करना जरूर, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ओके, वीडियो को लाइक जरूर करें, मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस एंड प्रोजेक्ट्स लाता रहता हूं, ये कंप्लीट नेक्स्ट जेएस में हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।